सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए? उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है, इमेजिन कीजिए बाबा का चित्र। बाबा आपके सामने है, अत्यंत सुंदर। वे पैर मोड़ कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर फैली हुई है। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियां फैली हुई है। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर दो अंगुलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पंथ है। ओम साई राम। मेरी सभी भक्तों से विनती है कि आप बाबा की दो अंगुलियों के बीच से चरण के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। कुछ क्षणों तक मैं एकदम शांत रहूंगी और आपका ध्यान बाबा के दो अंगुलियों के बीच में से
उनके अंगूठे पर होगा। अब धीरे धीरे बाबा का धन्यवाद करते हुए, बाबा को प्रणाम करते हुए और मेरे साथ रिपीट करते हुए, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आंखें खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों में कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए रखेंगे ताकि जो भी ऊर्जा बाबा द्वारा आपके हाथों में आई है वो पूरे शरीर में, कण कण में फैल जाए। और आप अपनी आंखें खोलेंगे।